खावड़ा नाम के गांव में जग्गा नाम का एक चोर रहता था। आजकल लोग बड़े सतर्क हो गए हैं, चोरी होने ही नहीं देते अपने घरों में। अब तो एटीएम ही बच गया है पैसे निकालने के लिए। ये सोचते हुए जग्गा एटीएम से पैसे लूटने के इरादे से वहां गया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वहां एक आदमी आ गया। उसे देखकर ईका कोई ई तरफ आवत है, ये सोचते हुए वो वहां चुपचाप खड़ा रहा और इस तरह दिखाया जैसे कि वो कुछ काम कर रहा हो। उस आदमी ने साथ लाए कुछ पैसे एटीएम में जमा किए और किसी को फोन लगाया। हेलो, मैंने अभी अभी एटीएम में पैसे जमा किए हैं, तुम पैसे निकाल लो। फिर वो आदमी वहां से चला गया। फौरन जग्गा ने इधर उधर देखा, फिर उसने उस एटीएम मशीन को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं खोल सका। ओ, ये तो बड़ा मुश्किल है, इस मशीन से पैसे निकालना बहुत कठिन है। फिर वो घर चला गया और दिमाग लड़ाने लगा। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आया। मैं एक एटीएम बनाऊंगा, जैसे ही कुछ लोग उसमें पैसे जमा करेंगे मैं उन्हें लेकर चंपत हो जाऊंगा। फिर उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा सा आम बनाकर उसके अंदर एक एटीएम मशीन फिक्स की। आज के बाद से मैं ढेर सारा पैसा बनाऊंगा, लेकिन मुझे इसे रात के वक्त ही निकालना होगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ये सोचते हुए वो उस मैंगो एटीएम में बैठ गया और रात में उसे एक जगह लेकर गया। फिर वो किसी ऐसे के आने का इंतजार करने लगा जो उस मशीन में पैसे जमा करे। छवि राम पैसे जमा करने निकला था और उसने उस मैंगो एटीएम को देखा तो सोचा, अरे ये नई एटीएम मशीन कब सेट हो गई है, बड़ी अजीब सी भी लग रही है। ये सोचते हुए वो उस मैंगो एटीएम के पास गया और पैसे जमा कर दिए। जग्गा जो उसके अंदर था उसने मशीन को चलाया, वो पैसे ले लिए और स्क्रीन पर दिखाया सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। ये देखकर छविराम निश्चिंत होकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जग्गा उस मैंगो एटीएम को लेकर घर चला गया। फिर वो एटीएम से बाहर आया और पैसे गिनने लगा। बढ़िया है, मेरा आइडिया मेरी जिंदगी बदल रहा है। अब बेहतर होगा कि कल किसी और जगह रखूं अपना मैंगो एटीएम। ये सोचते हुए वो उस रात सो गया। दूसरी तरफ सुबह में छविराम ने अपना मोबाइल फोन चेक किया और सोचा, ये क्या हुआ, मैंने रात में पैसे जमा किए थे लेकिन अभी तक फोन पर मैसेज क्यों नहीं आया, एक बार बैंक कस्टमर केयर को कॉल करके देखता हूँ। ये सोचते हुए उसने बैंक कस्टमर केयर को कॉल लगाया और सारी डिटेल्स दी। ऑपरेटर ने चेक किया और कहा, आपके अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं हुआ है सर। कल रात में एटीएम मशीन गया था और पैसे जमा किए थे ना, लेकिन यहाँ ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है सर। फिर मेरे पैसों का क्या हुआ? सक पकाए हुए उसने कॉल काट दिया और फिर से उस एटीएम गया, लेकिन उसे तो वहां कोई मैंगो एटीएम मशीन मिली ही नहीं। इससे वो हैरान होकर वहां खड़े एक आदमी से पूछता है, यहाँ एक मैंगो एटीएम था ना, देखा था तुमने? यहाँ तो कोई ऐसा एटीएम नहीं था। अरे लेकिन मैंने कल ठीक यहीं पर वो एटीएम मशीन देखी थी। ये कहते हुए वो उस मैंगो एटीएम की तलाश में निकल गया। उस रात जग्गा उस मैंगो एटीएम को दूसरी जगह ले जाता है। दो आदमी पैसा जमा करके चले जाते हैं। जग्गा जो बड़ा खुश होता है उन पैसों को लेकर घर चला जाता है। उधर छविराम को वो मैंगो एटीएम कहीं भी नहीं मिलती तो वो पुलिस थाने जाकर जो कुछ भी हुआ सारा बता देता है। इसी बीच दो और लोग वहां आकर वैसी ही मैंगो एटीएम की बात कहते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस वाला बैंक को कॉल लगाकर पूछता है, मैं पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ, क्या तुमने आम जैसी दिखने वाली किसी एटीएम मशीन को कहीं सेट किया था? नहीं सर, हमने ऐसी कोई एटीएम मशीन कहीं सेट नहीं की है। ये कहकर बैंक वाले ने कॉल कट कर दिया। इसका मतलब किसी शातिर आदमी ने एक नकली एटीएम सेट करके लोगों का पैसा चोरी किया है, आज हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। ये कहते हुए वो उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज लेकर चेक करता है। उस इलाके में मैंगो एटीएम आते देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। पुलिस वाला देख लेता है कि वो मशीन आई कहां से थी और कहता है, कहां से थी? उस मैंगो एटीएम में वो चोर इस इलाके में 2 दिन से आ रहा है,
मतलब वो आज भी यहाँ जरूर आएगा। वो सब वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। इसी बीच जग्गा उस इलाके में उस मैंगो एटीएम को लेकर दाखिल होता है। उसे देखकर सब एटीएम को घेर कर खड़े हो जाते हैं। अंदर कौन है? जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो मैं बंदूक चला दूंगा। इस तरह पुलिस वाले ने धमकी दी। इससे जग्गा डर जाता है और बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां जमा लोग उसे पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर देते हैं। अब कहां जाएगा भागकर? तेरा असल घर तो जेल है। ये कहते हुए पुलिस वाला जग्गा को लेकर जेल में बंद कर देता है। सिद्धपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सिंगैया और राजैया नाम के दो आदमी मुर्गियों के अंडों का धंधा कर रहे थे। उनके पास ढेर सारी मुर्गियां थी। वो उन मुर्गियों के अंडे बेचकर पैसा कमाते थे। एक दिन जब सिंगैया अपनी मुर्गियों के पास गया तो उसे वहां एक भी अंडा नहीं मिला। इससे वो परेशान हो गया और सोचने लगा, ये क्या है, यहाँ एक भी अंडा नहीं है। क्या मेरी पत्नी ने सारे अंडे इकट्ठे कर लिए? प्रमिला, प्रमिला! ये कहते हुए वो अंदर गया और अपनी पत्नी से पूछा, तुमने उठा लिए क्या वहां से अंडे? नहीं, मैं क्यों करूंगी ऐसा, रोज तुम ही तो उठाते हो ना अंडे वहां से, क्यों, क्या हो गया? फिर किसने उठाए सारे अंडे? सारे अंडे कहां गायब हो गए? प्रमिला भी असमंजस में थी। फिर दोनों इस बारे में फिक्र करते हुए सोचते रहे। अगले दिन सुबह सिंगैया अपनी मुर्गियों के पास फिर गया, लेकिन उसे वहां आज भी एक भी अंडा नहीं मिला। ये देखकर उसने सोचा, ये क्या है, आज भी यहाँ एक भी अंडा नहीं है। लगता है कि कोई जानबूझ के कर रहा है, लेकिन है कौन, समझ नहीं आ रहा। इस तरह वो परेशान हो गया। उस रात जब सिंगैया और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे, एक आदमी वहां आकर अंडे चुराने लगा। उसी समय एक संत जो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने उस चोर को देख लिया और धर दबोचा, घर के अंदर कोई है, एक बार बाहर आओ, ये चोर तुम्हारे अंडे चोरी कर रहा था। इस तरह उन्होंने जोर से पुकारा। उसकी आवाज सुनकर सिंगैया और उसकी पत्नी जाग पड़े और जल्दी जल्दी करके बाहर आए। उस चोर को देखकर वो सन्न रह गए। वो कोई और नहीं, सिंगैया का दोस्त रंगैया था। फिर सिंगैया ने दुखी मन से उससे कहा, ये क्या बात हुई रंगैया, तुम्हें ऐसा करते शर्म नहीं आई? मुझे लगा था कि तुम एक भले इंसान हो और तुमसे दोस्ती कर ली। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह के आदमी निकलोगे। फिर प्रमिला ने संत से कहा, संत, मुझे नहीं पता कि आप इस समय यहाँ से क्यों निकले, लेकिन आपने सही समय पे आकर इस चोर को पकड़ लिया। पिछले कुछ दिनों से अंडे गायब हो रहे हैं और हमें बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने पैदल ही सारे तीर्थ स्थान के दर्शन किए और अब वापस आश्रम लौट रहा था। रास्ते में मैंने इसे ये दुष्कर्म करते देखा। जैसे तुमने बताया, ये तुम्हारे यहाँ से रोज ही अंडे चुरा रहा था। फिर संत ने राजैया से पूछा, मुझसे सच कहो, तुम उन अंडों को रोज चुरा रहे थे ना? अचानक हुए सवाल से राजैया डर गया। और स्वामी, मैं हर रोज कुछ अंडे चुरा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं सारे अंडे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, उन्हें बहुत सारे अंडे चाहिए, इसलिए मैंने ये किया। मैंने सोचा था कि ऐसा करके मैं एक अच्छा व्यापारी बन जाऊंगा और पैसे भी कमाऊंगा। मैं लालची हो गया था और ऐसा कर लिया, मुझे माफ कर दो सिंगैया। सिंगैया को दया और बोला, ठीक है, अपना चेहरा फिर कभी मत दिखाना, तुम जा सकते हो यहाँ से। रंगैया को बहुत शर्मिंदगी लगी और वो वहां से चला गया। फिर संत ने सिंगैया और उसकी पत्नी से कहा, मैं समझ गया कि तुम एक मेहनती और अच्छे दिल के इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। इस जादुई मुर्गे की मूर्ति को देख रहे हो? अपनी मुर्गियों को इसमें रखो, फिर देखो
क्या होता है? ये कहते ही वो वहां से अदृश्य हो गए। अगले दिन शाम में सिंगैया ने अपनी सारी मुर्गियों को इकट्ठा करके उस जादुई मुर्गे की मुर्गी में घुसा दिया और दरवाजा बंद कर दिया, फिर आराम से जाकर सो गया। अगले दिन सुबह उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। उस मूर्ति के अंदर बड़े बड़े सोने के अंडे थे। उन्हें देखकर वो चौंक पड़ा और मन ही मन उन संत का आभार माना। इसी बीच उसने राजैया को अंदर देखा। वो वहां रस्सियों में बंधा पड़ा था। तुरंत सिंगैया ने जाकर रस्सी खोली और उससे पूछा, ये क्या, तुम यहां कैसे आए? मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था ना, तुम्हें इस तरह किसने बांधा? सिंगैया मुझे फिर से माफ कर दो, संत ने तुमसे जो कहा वो मैंने सुन लिया था। मैं देखने आया था कि यहां क्या होता है। मैंने अंदर सोने के अंडे देखे और मेरे दिल में फिर लालच आ गया। वाह, ये सोने के अंडे कितने बड़े हैं। यहाँ इस समय कोई नहीं है, मैं इनमें से एक अंडा तो चुरा ही सकता हूँ। ये सोचते हुए मैंने एक सोने का अंडा लिया और बाहर आ रहा था। इसी बीच मैंने एक आवाज सुनी, ए, उस अंडे को फौरन अंदर रखो। जिसे सुनकर मैं घबरा गया और पीछे मुड़कर पूछा, कौन है ये? वो मुर्गे की मूर्ति एक असली मुर्गे में बदल गई और उसने कहा, ये मैं हूँ बदमाश, तुम जरा भी नहीं सुधरे, अब देखो मैं सिखाता हूँ तुम्हें सबक। ऐसा कहकर उस मुर्गे ने अपने जादू से मुझे बांध दिया। फिर एक बड़ी सी चढ़ी हवा में उड़ी और मेरा कचूमर बना दिया। मैं रात भर से यही पड़ा हुआ हूँ। सच जाने के बाद सिंगैया बहुत नाराज हो गया और बोला, तुम्हें सही सजा मिली है। अगर फिर इस तरफ दिखाई दिए ना तो समझ लेना कि ये जादुई मुर्गा तुम्हारा क्या हाल करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। ये कहते हुए वो वहां से भाग गया। फिर वो मूर्ति एक असल के मुर्गे में बदल गई और कहा, तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ कोई भी फटका तो मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर सिंगैया ने चैन की सांस ली और उस जादुई मुर्गी का धन्यवाद दिया। इस तरह वो उन सोने के अंडों को बेचकर धनवान हो गया। सिंगैया और उसका परिवार सारी सुख सुविधाओं के साथ आराम से रहने लगा।